हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? और मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स, आप अपने स्टडी को सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड, प्लान वे में करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर आएंगी वो इजी हो जाएंगी। उनके तरीके होते हैं, अपने डाउट्स अपने ग्रुप में रेज करिए, क्वेश्चंस रेज करिए, अपने टीचर से पूछिए, और कॉन्सेप्ट को, डेरिवेशन को, न्यूमेरिकल्स को समझते हुए करिए। तो आप देखना, आपको बड़ा ही आसान लगेंगी चीज़ें। और लास्ट ईयर के टॉपिक्स जरूर करिए, अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर सोल्व करिए टॉपिक से रिलेटेड। तो आप देखना, ये चीज़ें आसान हो जाएगी और आपका सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग तो है ही। आज हम ले रहे हैं चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 12th फिजिक्स, एंड टॉपिक्स ऑफ टूडे आर इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेट अस स्टार्ट। इंडक्टेंस, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, आज हम इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। और व्हाट इज इंडक्टेंस, यहाँ समझने के लिए आप देखें, मान लीजिए किसी सर्किट से करंट पास हो रहे हैं स्टूडेंट, व्हेन करंट चेंज थ्रू ए सर्किट, और आप उसमें एक चेंज लाने की कोशिश करते हैं, आप करंट को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं या डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो व्हेन करंट चेंज थ्रू ए सर्किट, कंडक्टर अपोज इट, तो कंडक्टर उसका अपोज करेगा, और कंडक्टर जिस प्रॉपर्टी की वजह से अपोज करेगा उसे हम कहते हैं इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो आप कह सकते हैं व्हेन करंट चेंज थ्रू ए सर्किट, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू अपोज दिस चेंज इज नोन एज इंडक्टेंस। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब कंडक्टर का ये आपने एक रोल और पढ़ा। हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कंडक्टर हमारा कैपेसिटर की तरह से बिहेव करता है, एक कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है सर्किट में, यानी कि चार्ज को स्टोर कर सकता है या इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और कंडक्टर हमारा एक रेजिस्टर की तरह, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो ये सेकंड रोल पढ़ा था हमने कंडक्टर का सर्किट में। और ये हम थर्ड रोल पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका कंडक्टर एक इंडक्टर की तरह से बिहेव करता है और ये इंडक्टेंस प्रोवाइड करता है सर्किट में। और स्टूडेंट्स कैपेसिटर के केस में हर कंडक्टर कैपेसिटर है, लेकिन हमने पढ़ा था टू कंडक्टर सिस्टम से बना हुआ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने स्टडी किया था। फिर हमने रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए हमने आर से डिनोट किया था। और इंडक्टर की हम बात करेंगे तो हर कंडक्टर अपने आप में इंडक्टर है, लेकिन हम मेनली बात करेंगे क्वायल की। तो जब क्वायल में से करंट चेंज होगा तो इसके ये अपोज करेगी उसका, उसी प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस कहते हैं और उसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो इसको समझने के लिए अगर आपको कोई कहे इंडक्टेंस को डिफाइन करिए, तो आप लिख सकते हैं इसका मतलब, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज ए सडन चेंज इन करंट पासिंग थ्रू इट। सिंपल। तो ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जिसकी वजह से कंडक्टर अपने अंदर से पास होने वाली करंट में चेंज होने का अपोज करता है। यहाँ डिफरेंस देखिए स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा था, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो कंडक्टर अपने अंदर से फ्लो ऑफ चार्ज का अपोज करता है। यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि इंडक्टेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है। इंडक्टेंस करंट में चेंज होने का अपोज करता है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो करने का ही अपोज करता है, उस वजह से हम उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस कहते हैं कंडक्टर की। और जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो करंट में चेंज होने का अपोज करता है उसे इंडक्टेंस कहते हैं। डिफरेंस देखिए। और यहां पर अगर हम इसको समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो एक हम यहां पर एक सेटअप ले सकते हैं, टू क्वाइल सिस्टम ले लेते हैं, और जैसे फैराडे थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने लिया था, रिकॉल करिए, एक हमने गैल्वेनोमीटर अटैच किया था एक क्वाइल के साथ, इसको हमने C2 नाम दे दिया था, और इसके एक नेबर में हमने एक करंट रखी थी, एक क्वाइल रखी थी जिसमें हमने बैटरी अटैच की थी और एक की अटैच की थी टैपिंग की।
ईएमएफ सोर्स और इसे कॉइल को नाम दे देते हैं C1। तो स्टूडेंट्स अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, देखें तो लेट आई करंट, मान लीजिए आई करंट फ्लोज इन कॉइल C1, हमने टैपिंग की को क्लोज किया और आई करंट आपके सर्किट में फ्लो करने शुरू हो गई। तो स्टूडेंट्स करंट की वजह से क्या होगा, आपको पता है जब क्वायल में से करंट जाएगी तो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि पास हो रहा है आपकी क्वायल के अंदर से, तो उसके अंदर से पास होने वाला फ्लक्स एक यहां पे प्रोड्यूस हो जाएगा और फ्लक्स दोनों क्वायल के अंदर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि नेबरिंग क्वायल के अंदर से भी फ्लक्स पास हो रहा है आपकी इस क्वायल में करंट की वजह से। तो मान लीजिए इसके अंदर से जो फ्लक्स पास हो रहा है C1 क्वायल के, उसको हम φL नाम दे देते हैं और जो फ्लक्स पास हो रहा है आपकी C2 क्वायल के अंदर उसे φM नाम दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम जब डिफाइन करते हैं इंडक्टेंस को तो φ और I का रिलेशन कैसे, वो φL हो सेम क्वायल में आपकी करंट किस में आपने फ्लो कराई C1 क्वायल में, C1 क्वायल में फ्लक्स कितना पास हो रहा है φL और नेबरिंग क्वायल में फ्लक्स कितना पास हो रहा है इसी करंट की वजह से φM। तो यहां पे दोनों φ में से अगर हम किसी भी φ की बात करें स्टूडेंट तो φ इज प्रोपोर्शनल टू I। तो सेम क्वायल में या नेबरिंग क्वायल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ इस करंट की वजह से दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो स्टूडेंट यहां पे फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू करंट हुआ और अगर हम यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को मान लीजिए मैं के लिख लेता हूं यहां पे, तो दैट इज फाई इक्वल टू के आई। तो स्टूडेंट्स यहां पे के को हम कहते हैं कॉफिशियंट ऑफ, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है उसी को नाम देते हैं कॉफिशियंट ऑफ इंडक्शन या सिंपली इंडक्टेंस। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने दो फ्लक्स की बात की, एक सेम कॉइल में एक नेबरिंग कॉइल में, तो इसका मतलब यहां पे जब हम सेम कॉइल की बात करेंगे फाई एल लेंगे फाई की जगह और जब हम नेबरिंग कॉइल की बात करेंगे तो फाई एम लेंगे। तो इसका मतलब आपका इंडक्टेंस दो तरह का होगा, एक C1 कॉइल में करंट है C1 कॉइल में ही फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वहां पे इंडक्टेंस है उसे हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे और एक नेबरिंग कॉइल में फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ C1 कॉइल में करंट है लेकिन फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है C2 नेबरिंग कॉइल में उसे इंडक्शन को हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन और वहां पे भी हमारे इसका मतलब कॉफिशियंट ऑफ इंडक्शन भी हमारे दो हो जाएंगे कॉफिशियंट ऑफ इंडक्शन। तो कॉफिशियंट ऑफ इंडक्शन आपके दो हो गए, एक नेबरिंग कॉइल की वजह से तो हम उसे कहेंगे कॉफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और या म्यूचुअल इंडक्टेंस और जो सेम कॉइल में यहां पे फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे जो कॉफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा स्टूडेंट्स उसे को हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। सिंपल, बड़ा इजी है, एक बार समझ के देखिए स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस से पहले हम यूनिट ऑफ इंडक्टेंस और देख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ इंडक्टेंस तो अभी हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू के आई, कोफिशियंट ऑफ इंडक्शन या सिंपली इंडक्टेंस तो इसका मतलब के इज इक्वल टू हुआ फाई अपॉन आई। तो अगर हम यूनिट ऑफ के यानी कि यूनिट ऑफ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ फाई मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आपको पता है फ्लक्स की यूनिट होते हैं स्टूडेंट्स वेबर, तो वेबर डिवाइड बाय एम्पियर ये आपकी यूनिट हुई इंडक्टेंस की एम्पियर, इसी को हम हेनरी कहते हैं। और अगर हम सिंबॉलिक बात करें तो 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वेबर पर एम्पियर, क्लियर है। तो यहां से देखे जो हेनरी जो यूनिट है इंडक्टेंस की इट इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ जोसेफ हेनरी who discovered EMI in USA independently of Faraday who discovered it in England। तो जोसेफ हेनरी ने उसी टाइम पे 1830 के आसपास एक्सपेरिमेंट USA में किए और उसी टाइम पे फैराडे ने इंग्लैंड में किए, दोनों ने इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट किए। हमने पढ़ा भी था फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट पढ़े थे जब हम 3 एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में। तो यहां हेनरी की जो जोसेफ हेनरी थे उन्हीं को ओनर करने के लिए ये यूनिट का नाम हेनरी के नाम पे दिया गया है,
क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। और कोई कहे वन हेनरी को डिफाइन करिए, तो आप कह सकते हैं कि इफ वन एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द क्वाइल ड्यू टू विच वन वेबर फ्लक्स इज पासिंग थ्रू इट, देन द कोफिशियंट ऑफ इंडक्शन और इंडक्टेंस ऑफ द क्वाइल इज वन हेनरी। तो क्लियर हो जाना चाहिए। और इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला की भी अगर बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टेंस, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपने सीखा हुआ है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू। तो आपको मेथड आने चाहिए इसको कैलकुलेट करने का, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, तो कोफिशियंट ऑफ इंडक्शन या इंडक्टेंस स्टूडेंट, इसका मतलब दो तरह का होता है। एक हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस और एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस। तो हमने जब बात की थी, डायग्राम बनाया था इससे पहले पेज पे, वहां यहाँ पे हमने दोबारा बनाया उसको, कि अगर हम करंट फ्लो कराते हैं की को क्लोज करके सी वन कॉयल में, और फ्लक्स पास होता है फाइ एल सी वन कॉयल के अंदर से और सी टू कॉयल के अंदर से फाइ एम। तो हमने यहाँ पे स्टडी किया था कि फाइ इज इक्वल टू के आई, तो कोफिशियंट ऑफ इंडक्शन या इंडक्टेंस को के से डिनोट किया था। तो के भी दो तरह का हो सकता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब हम बात करेंगे सी वन कॉयल में करंट है और हम फ्लक्स की बात करें नेबरिंग कॉयल में, तो फाइ एम प्रोपोर्शनल टू आई। और यहाँ पे जो हमारा कॉन्स्टेंट होगा स्टूडेंट, दैट इज हम उसको डिफाइन करते हैं एम से, डिनोट करते हैं एम से। तो इसे कहते हैं हम कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या सिंपली म्यूचुअल इंडक्टेंस, इक्वेशन नंबर वन। और ऐसे ही जब सेल्फ कॉइल की बात करें, सी वन कॉइल में ही करंट है, सी वन में ही हम मैग्नेटिक के फ्लक्स को देख रहे हैं कितना पास हो रहा है, तो फाई एल प्रोपोर्शनल टू आई होगा और फाई एल विल बी इक्वल टू एल आई। यहां पे हम कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे एल को, या सिंपली सेल्फ इंडक्टेंस, इक्वेशन नंबर बी। तो यहां पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, आपको कोई कहे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करिए, तो आप कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्वाइल टू द करंट पासिंग थ्रू द नेबरिंग कॉइल, जिसकी वजह से आपका ये म्यूचुअल इंडक्शन क्रिएट होता है। और फाइ एल को आप यहां पे एल को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू ए कॉइल टू द करंट पासिंग थ्रू द सेम कॉइल। तो यहाँ पे हम इनको इजीली डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे फैराडे लॉ को अगर हमने स्टडी किया था, E इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ एम आई, या एम इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमने पढ़ा फैराडे लॉ को, अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई एल है यहाँ पे, तो माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। तो इस हिसाब से भी आपका एक रिलेशन आ गया, ई इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को, क्लियर है। तो यहां से कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो आप कह सकते हो इट इज गिवन एज, अगर हमें मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो एल इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड की बात करें, माइनस साइन नहीं लिख रहे हैं, ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। यहां पे भी हम लिख लेते हैं इन मैग्नीट्यूड। तो यहां से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस को। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द नेबरिंग कॉइल। और सेल्फ इंडक्टेंस को आप डिफाइन कर दीजिए, इट इज द रेशियो ऑफ ईएमएफ, जिसको हम अगर सेम कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है स्टूडेंट्स, उसे बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो इट इज द रेशियो ऑफ बैक ईएमएफ induced in a coil to the rate of change of current same coil। तो यहां से आप देखिए, आपके दो यहां से भी डेफिनेशन निकल आती है, इक्वेशन ए
और बी से एक एक डेफिनेशन निकलेगी एम और आई एल की, और ऐसे ही सी और डी से, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें यहां पे यूनिट की, तो अगर मैं पहली ए या बी इक्वेशन की बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि वेबर इज इक्वल टू हो गया, आपने कहा था हेनरी एल इज इक्वल टू या एम इज इक्वल टू हो गया फाई अपोन आई, तो वन हेनरी, और यहां पे वन हेनरी को हम वेबर पर एम्पियर पढ़ा था। और अगर हम सी और डी इक्वेशन से बात करें तो यहां पे कोफिशियंट ऑफ इंडक्शन को अगर मैं के या एम या एल की जगह के लिखता हूं तो दैट विल बी इक्वल टू ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो यहां से अगर मैं यूनिट ऑफ के की बात करूं, यानी कि इंडक्टेंस की यूनिट की बात करें, तो वो बराबर होगी वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, दैट इज वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, और दैट इज इक्वल टू हेनरी, वन हेनरी। तो ये भी आप यहाँ पे यूनिट इस तरह से भी रिलेशन निकाल सकते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे वन हेनरी को डिफाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं कि अगर वन हेनरी इज द कोफिशिएंट ऑफ इंडक्शन यानी कि इंडक्टेंस, दैट इज इफ वन वोल्ट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू वन एम्पियर पर सेकेंड चेंज इन द कॉइल। क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ध्यान से पढ़िए, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यहां पे दो सोलेनोइड कंसीडर करते हैं, एक मान लीजिए हम उसको नाम देते हैं एस वन, और एक कोएक्सियल सोलेनोइड है दोनों, एक इसके जो टर्न्स का एरिया है वो ज्यादा है, इसको हम नाम दे देते हैं मान लीजिए एस टू। तो एस वन सोलेनॉइड है और इसके पैरामीटर्स देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मान लीजिए एन वन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एन वन है कैपिटल एन वन, और इसकी मान लीजिए लेंथ आप ले रहे हैं एल, और इसका जो रेडियस है ईच टर्न ऑफ द सोलेनोइड आर वन है स्टूडेंट्स, और मान लीजिए ईच टर्न ऑफ सोलेनोइड फर्स्ट का जो एरिया है वो ए वन है। क्लियर है, और जो सेकेंड सोलेनोइड है स्टूडेंट्स उसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन टू, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन टू से हम डिनोट कर रहे हैं सेकेंड सोलेनोइड में, एल इसकी लेंथ ली है हमने, लेंथ दोनों की सेम है इसलिए एल वन एल टू नहीं लिखा है, और आर टू इसकी रेडियस है और इसके ईस्ट टर्न की रेडियस है, और ए टू इसके ईस्ट टर्न का एरिया है। तो यहाँ पे एक अगर आप कहो तो आप एक रिलेशन भी आपको मिल जाएगा, स्मॉल एन वन का मतलब कैपिटल एन वन अपॉन एल, क्योंकि कैपिटल एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन वन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ए वन इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे पहले से ही पता होना चाहिए, और सिमिलरली एन टू इज इक्वल टू कैपिटल एन टू अपॉन एल एंड ए टू इज इक्वल टू पाई आर टू स्क्वायर, सिंपल। और यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, और यू कैन से ए टू इज ग्रेटर देन ए वन। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करेंगे स्टूडेंट, तो एक सोलेनोइड में करंट लेंगे और दूसरे में हम फ्लक्स निकालेंगे उसके अंदर से पास होने वाला। तो मान लीजिए हम पहले लेते हैं कि मान लीजिए वेन आई टू करंट पासिस थ्रू सोलेनॉइड एस टू, एस टू, तो एस टू सोलेनॉइड से आई टू करंट पास हो रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो आप देखिए फ्लक्स कितना पास होगा, हम अगर हम करंट ले रहे हैं सेकेंड सोलेनॉइड में तो फ्लक्स की बात करेंगे हम फर्स्ट सोलेनॉइड के अंदर, तो एन वन फाइव वन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट सोलेनॉइड, तो दैट विल बी गिवन बाय स्टूडेंट्स, तो एन वन फाई वन का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू द फर्स्ट सोलेनॉइड, और वो क्योंकि सेकेंड सोलेनॉइड में करंट है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लेना है आपको, यहाँ पे उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहे हैं, तो बी टू इसलिए हम उसको बी टू लिख रहे हैं क्योंकि ये आई टू करंट की वजह से है जो सेकेंड सोलेनॉइड में फ्लो कर रही है, और ए वन एरिया है आपके पहले सोलेनॉइड का। तो ये हो गया आपका एन वन बी टू ए वन। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, एन वन की जगह आप एन वन एल लिख सकते हैं, बी टू की जगह म्यू नॉट एन टू आई टू, क्योंकि ये जो फील्ड है ये सेकेंड सोलेनॉइड में करंट की वजह से है, तो एन टू और आई टू यहां पे सेकेंड सोलेनॉइड के पैरामीटर हुए, और ए वन
आप पाई आर वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं या ए वन ही रख लीजिए, कभी भी आप इसको पाई आर वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर मान लीजिए ए हो गई आपके पास, लेकिन फ्लक्स की डेफिनेशन के हिसाब से स्टूडेंट्स आपने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे फ्लक्स किसके बराबर होता है, एन वन फाई वन का मतलब हुआ अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें, मान लीजिए फर्स्ट कॉयल का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकंड कॉयल के रेस्पेक्ट में, सेकंड सोलेनोइड के रेस्पेक्ट में M12 से हम डिनोट कर रहे हैं, तो N1 phi 1 टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट सोलेनोइड विल बी इक्वल टू M1 to I2। तो ये आप रिलेशन इक्वेशन B हो गया, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशन से आपने पढ़ा था phi प्रोपोर्शनल टू I, यहाँ पे टोटल फ्लक्स है N1 phi 1, म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम यहाँ पे लिख रहे हैं M12 और करंट है I2 सेकेंड सोलेनोइड में, तो ये रिलेशन क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर हम इक्वेशन A और B से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन A और B से अगर हम देखते हैं, तो वी गेट इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है स्टूडेंट, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी, तो अगर हम राइट हैंड साइड को इक्वल रख दें तो आई टू कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट M12 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 LA1। तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट सोलेनॉइड विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड सोलेनॉइड की इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स हमने ये केस फर्स्ट लिया था, अब केस सेकंड ले लेते हैं, जब हम बात करेंगे व्हेन I1 करंट पासेज थ्रू सोलेनोइड S1, तो सोलेनोइड S1 से जब I1 करंट पास हो रही है स्टूडेंट, तो इस बार हम फ्लक्स निकालेंगे सेकंड सोलेनोइड के अंदर N2 phi 2, दैट विल बी इक्वल टू N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकंड सोलेनोइड, और यहां पे जो आप फ्लक्स निकालोगे फाई टू, यानी कि सेकंड सोलेनोइड के ईच टर्म में से फ्लक्स जो पास होगा दैट विल बी इक्वल टू B1। हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहां पे करंट फर्स्ट सोलेनोइड में, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, और B1 हुआ, और एरिया यहां पे भी स्टूडेंट A1 लिया जाएगा, सेकंड सोलेनोइड का नहीं लिया जाएगा, इसको यहां पे समझने की जरूरत है। अब मैं थोड़ा सा ध्यान से देखना, एरिया दोनों केस में A1 क्यों लिया गया, यहां पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो पहले केस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहां पे हम पहले सोलेनोइड की बात कर रहे थे और एरिया हमने पहले सोलेनोइड का ही लिया था, लेकिन स्टूडेंट्स हम सेकंड सोलेनोइड में से पास होने वाले फ्लक्स की बात कर रहे हैं, ये आपका सेकंड सोलेनोइड का एरिया है और हम एरिया फर्स्ट का ही ले रहे हैं, तो आप ध्यान से देखें स्टूडेंट, इस केस में करंट S1 सोलेनोइड के अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस एरिया में ही प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फ्लक्स जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड जीरो होगा, और इस पोर्शन में इस सोलेनोइड की वजह से कोई नेट फ्लक्स पास नहीं होगा, तो एरिया जब आप ले रहे हैं कि फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंड सोलेनोइड, तो ध्यान से देखिए यहां पे एरिया आपको इनर सोलेनोइड का ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उतने ही एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड दोनों सोलेनोइड के बीच में जो एरिया बचता है पहले सोलेनोइड से बाहर दूसरे सोलेनोइड के अंदर, तो वहां जीरो होता है, यानी कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट एरिया इज जीरो, तो एरिया यहां पे भी A1 लिया जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान से देखना है। और आपको पता है N2 की जगह आप लिख सकते हैं N2L, कैपिटल N2 की जगह B1 आपका है म्यू नॉट N1 I1, और एरिया आपको A1 ही लेना है। इक्वेशन नंबर C लिख लीजिए, लेकिन फिर हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशन के हिसाब से N2 phi 2 अगर हम निकालें, तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेकेंड सोलेनोइड विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड सोलेनोइड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट सोलेनोइड N2 I1। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशन के हिसाब से फ्रॉम इक्वेशन सी एंड डी अगर हम दोनों इक्वेशन से देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे तो I1 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 LA1। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 2 हो गई, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड सोलेनोइड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट सोलेनोइड। तो अगर आप इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आप देखते हैं कि M12 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट सोलेनोइड विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड सोलेनोइड इज इक्वल टू होता है M21, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड सोलेनोइड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट सोलेनोइड, और इसको हम, इसका मतलब दोनों को M लिख सकते हैं।
तो दोनों ही बराबर आए हैं, आपने कैलकुलेट किया है, तो इसका मतलब M इज इक्वल टू हो गया कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बोथ द सोलेनोइड म्यू नॉट एन वन एन टू एल, और यहाँ पे एरिया ए वन क्यों है इसको जरा ध्यान से समझ लेना। क्लियर है? ये है स्टूडेंट्स म्यू नॉट का मतलब है यहाँ पे परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर कोई मीडियम है, फ्री स्पेस ना होके अगर कोई मीडियम है यहाँ पे, तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स म्यू की जगह आप म्यू लिखेंगे एन वन एन टू एल ए वन, तो म्यू मीन्स मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, और आपको पता है म्यू की जगह आप लिख सकते हैं म्यू आर म्यू नॉट एन वन एन टू एल ए वन, और इसका मतलब दिस इज द कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन देयर इज अ मीडियम बिटवीन द सोलेनोइड्स अदर देन फ्री स्पेस और वैक्यूम। क्लियर हो जाना चाहिए और ये चीजें समझ आ जानी चाहिए। आपको पता ही है यहाँ पे म्यू आर का मतलब है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसी रिलेशन को हमने इक्वेशन फोर्थ में यूज किया है। तो समझ के देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इजी है, आसानी से समझ आने वाला है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टडी किया था एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहां पे हम एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे। स्टूडेंट्स यहां पे आपके पास एक ही सोलेनोइड है, एक ही सोलेनोइड है, और इसमें आपने बैटरी अटैच की है और एक की टैपिंग की हम लगाते हैं, जनरली ईएमएफ का सोर्स है, और अगर इस टैपिंग की करने से इसमें जब करंट इंक्रीज होती है स्टूडेंट्स, इंक्रीजिंग करंट, ये समझने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखना यहाँ पे, अगर इंक्रीज करंट हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगा, सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इंक्रीजिंग करंट का अपोज करेगा। और इसी चीज को बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां समझ के देखिए स्टूडेंट्स, इसी सोलेनोइड की बात कर रहे हैं, ये ईएमएफ का सोर्स है, ये की है, और ये अगर आपने करंट, अगर आप स्विच क्लोज करते हो तो डिक्रीजिंग करंट, करंट की डायरेक्शन वही है लेकिन करंट आपकी डिक्रीजिंग है स्टूडेंट्स, तो अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो उसका भी आपका इंड्यूस ईएमएफ अपोज करेगा, और सेम डायरेक्शन में जो आपके सर्किट में जो सोर्स का ईएमएफ है उसी की डायरेक्शन में ईएमएफ यहां पे इंड्यूस होगा, यानी कि करंट के इंक्रीज होने का भी अपोज कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होकर, और करंट के डिक्रीज होने का भी अपोज कर रहा है उसी की सेम डायरेक्शन में जो अप्लाइड आपका सोर्स है उसकी जो ईएमएफ है उसी के डायरेक्शन में इंड्यूस होके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और यहां पे एक ही सोलेनोइड है स्टूडेंट्स, आप म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ चुके हो, सेम यहां पे तरीका आपको यूज करना है जैसे हमने वहां पे लिया था नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यहां पे एन लिया हमने, टोटल नंबर ऑफ टर्न सोलेनोइड में कैपिटल एन है, इसकी लेंथ एल है मान लीजिए, रेडियस आर है ईच टर्न का, और ए इज द एरिया ऑफ ईच टर्न, और आपको क्लियर पता ही है यहां पे स्मॉल एन बराबर हुआ कैपिटल एन अपॉन एल, और ए की जगह आप जहां भी लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। व्हेन आई करंट, आई करंट passes through it, passes through solenoid S1, S through solenoid S, यानी कि इंडक्टर है आपका ये सोलेनोइड का मतलब करंट कैरिंग है, यहाँ पे जो सोलेनोइड इंडक्टर है ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में भी और यहाँ पे भी, और हमने पढ़ा था कि अगर इसमें करंट पास हो रही है तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सेम सोलेनोइड विल बी इक्वल टू N, और फाई का मतलब हुआ स्टूडेंट BA, B का मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और वो होगा आपको पता ही है सोलेनोइड के अंदर होता है म्यू नॉट एन आई, एरिया यहाँ पे ए, या इसकी जगह आप चाहो तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो, इक्वेशन ए। और सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन के हिसाब से टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सोलेनोइड विल बी इक्वल टू एल आई, और ये इक्वेशन बी हो गया आपका, हमने पढ़ा था कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एन इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू आई, और जब हम इसको हटाते हैं तो एल आई, और यहाँ पे टोटल फ्लक्स एन फाई से दिखा रहे हैं हम, और आई करंट है तो एन फाई इज इक्वल टू एल आई फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। और आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन पढ़ा था उसके हिसाब से, मैंने पहले इसलिए उसको पढ़ा था, ये आसान पड़ेगा आपको, दोनों इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल एन की वैल्यू एन एल लिखोगे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए,
क्लियर हो जाने चाहिए। और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम अगर आपने अभी म्यूचुअल इंडक्टेंस का पढ़ा था तो एम इजिकल टू आया था म्यू नॉट एन वन एन टू एल ए। तो भाई यहाँ पे एन वन और एन टू इक्वली हैं क्योंकि सेम सोलेनोइड की बात कर रहे हैं तो वही रिलेशन है उसी तरह का। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, म्यू नॉट का मतलब यहाँ पे है मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम है स्टूडेंट्स तो आप लिखेंगे एल इजिकल टू फोर एनी अदर मीडियम, फोर एनी मीडियम अदर देन फ्री स्पेस यू विल राइट कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड विल बी गिवन बाय म्यू एन स्क्वायर एल ए, और म्यू की जगह आपको पता ही है म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। इक्वेशन नंबर टू आप लिख सकते हो एल इजिकल टू, और आपको पता ही है कि ये जो रिलेशन है म्यू आर इजिकल टू आपको पता है म्यू इजिकल टू म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट, म्यू आर इज द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, म्यू इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जब आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन पढ़ा था तो उसके केस में तो ये बहुत ईजी है, इसलिए मैंने उसको पहले पढ़ा था स्टूडेंट। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। म्यूचुअल इंडक्टेंस के बेस पे अगर हमें एक क्वेश्चन समझ आ गया तो जो हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन पढ़ा था वो क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर क्वाइल्स वन ऑफ स्मॉल रेडियस आर वन एंड अदर ऑफ लार्ज रेडियस आर टू सच दैट आर वन इज वेरी वेरी लेस देन आर टू आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद सेंटर्स कोइंसाइडिंग ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है रेडियस ऑफ स्मॉलर क्वाइल आर वन, रेडियस ऑफ लार्जर क्वाइल आर टू, और यहाँ पे आर वन इज वेरी वेरी लेस देन आर टू। तो ये स्टूडेंट जो आर वन इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर टू दिया, इसका कोई मीनिंग है अभी समझ आएगा। और एम हमें निकालना है कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो स्टूडेंट मान लीजिए यहां पे हम मान लेते हैं व्हेन आई टू करंट मान लीजिए इज पास्ड थ्रू द क्वाइल विद लार्जर रेडियस आर टू, देन अगर हमने करंट सेकंड के थ्रू लिया है, इसमें से करंट लिया है हमने स्टूडेंट्स, तो हम फ्लक्स निकालेंगे इसके अंदर से, और यहाँ पे हम अगर कैलकुलेट करें तो फाइ वन फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट क्वाइल यानी कि स्मॉलर रेडियस जिसका है दैट विल बी इक्वल टू बी टू ए वन। बी टू हमने लिखा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा सेकेंड क्वाइल में करंट की वजह से, और एरिया हम लेंगे अंदर वाली क्वाइल का। और आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो हमने ये लिया है ना आर वन इज वेरी वेरी लेस देन आर टू, तो इसका मतलब ये है कि आउटर क्वाइल में जब करंट पास होगी तो इनर क्वाइल के अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इनर क्वाइल का इतना छोटा एरिया है कि उसके अंदर से पास होने वाले फील्ड को हम यूनिफॉर्म ले सकते हैं। तो इसका यहां पे मतलब है जो आपने दिया है ना नो आर वन इज वेरी वेरी लेस देन आर टू, तो इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए, ये अगर कोई चीज दी जाती है तो उसका कोई मतलब होता है क्वेश्चन में। तो यहां पे इसका मतलब है कि आर वन इतना छोटा है यानी कि स्मॉलर कॉयल का एरिया इतना छोटा है कि बाहर वाली कॉयल की वजह से जो फील्ड उसके सेंटर पे प्रोड्यूस होगा वो हम यूनिफॉर्म ले सकते हैं इस छोटी क्वाइल के अंदर से पास होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे B2 हम A1 एरिया से यूनिफॉर्म फील्ड ले सकते हैं, और किसी भी सेंटर पे अगर कोई सर्कुलर कॉयल है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई टू अपॉन आर टू, और A1 हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स पाई आर वन स्क्वायर। और अगर हम इन चीजों को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा, ध्यान से देखना आप, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और ऊपर आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर आई टू अपॉन आर टू। इक्वेशन नंबर ए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, और आर वन स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अब यहाँ पे देखते हैं कि फाइ वन अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के डेफिनेशन के हिसाब देख रहे थे फाइ वन विल बी इक्वल टू एम आई टू फ्लक्स पासिंग थ्रू द फर्स्ट कॉइल शुड बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ
फर्स्ट कॉइल विद रेस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल इनटू करंट इन सेकंड कॉइल। और हमें पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का रिलेशन सेम होता है, M12 बराबर होता है M21 के, हमने अभी प्रूव किया था। तो यहाँ पे 1-2 लेने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ∅1 इक्वल टू MI2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर कर दीजिए स्टूडेंट्स, I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो M का रिलेशन आ जाएगा आपके पास, M = M12 M21 दोनों बराबर होंगे आपको पता है, तो M will be equal to mu naught pi R1 square upon 2R2। तो ये रिलेशन आ गया स्टूडेंट, बड़े ध्यान से पढ़िए इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा इजी है समझने में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।